देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 47 है कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ओ एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखें एफ ओ एक्स फंक्शन की ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दो वैल्यूज़ की मदद से हमें डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसे मैं लिखता हूँ कि स्टेप वन करते हैं। स्टेप वन में मैं हमने करना है कि ये देखें एफ ओ एक्स फंक्शन की जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं कि स्टेप वन देखें ये लिमिट दी गई है हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह देखिए मैं फर्स्ट फंक्शन पुट कर देता हूँ कि 4 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू, देखें ये 2 दिया गया है। तो उसके बाद देखें अब हमने क्या किया है कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह ये फर्स्ट फंक्शन को मैंने पुट कर दिया। अब इसकी मदद से मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करूँगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप मुझे क्या करना होगा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह ये सेकंड वैल्यू पुट करनी होगी। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप वन में मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ऊपर उसने कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो लेस देन है 1, एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो उसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें अब हमारे पास फार्मूला होता है स्टेप वन में जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल और ये लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन से। वैल्यूज़ को पुट करें, देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यूज़ होती है और ये हमारे पास एल होता है और ये लिमिट एक्स टेंड टू ये जो 1 दिया गया ये बेसिकली एक्स नॉट की वैल्यू होती है। तो देखें ये हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ कि 4 माइनस 2 एक्स माइनस एल की वैल्यू देखें ये 2 है तो मैं 2 पुट कर देता हूँ और ये मॉड साइन में लेस देन है एप्सिलॉन। तो देखें एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास नहीं है इसलिए एप्सिलॉन को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखें 4 माइनस 2 तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास 2 माइनस 2 एक्स और ये मॉड साइन में हमारे पास लेस देन है एप्सिलॉन से। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला होता है कि अगर हम गौर से देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के तो बेसिकली उसे हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर यानी कि एक जो रियल लाइन होती है उसमें जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस में होता है तो ये माइनस ए है और एक एक्स एक्सिस पर और एक रियल लाइन में जो राइट हैंड वाला एरिया होता है वो बेसिकली पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ए लिखा हुआ है। ये फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ तो देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन 2 माइनस 2 एक्स और ये लेस देन है हमारे पास पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें इस 2 को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे माइनस 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि माइनस एप्सिलॉन माइनस 2 लेस देन माइनस 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस 2 एस लेस लॉन वैसे माइनस 2 को मैंने सेपरेट कर दिया। उसके बाद देखें अब मैं वैसे 2 को ख़त्म करना चाहता हूँ, 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को मुझे 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें मैं इसे लिखता हूँ कि माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इसको जब 2 पर डिवाइड करूँगा तो माइनस 1 लेस देन इसको जब 2 पर डिवाइड करूँगा तो माइनस एक्स लेस देन इसको भी 2 पर डिवाइड करें तो ये एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस 1 बनेगा। अब देखें इस माइनस एक्स को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए पॉजिटिव एक्स की तो इस माइनस एक्स को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को मुझे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस 1 और ये देखिए जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटीज चेंज हो जाते हैं, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया और ये एक्स और ये ग्रेटर देन हो गया। देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 क्योंकि हमने इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपनी आसानी के लिए देखें इस चीज़ को मैं पहले लिख लेता हूँ, इस चीज़ को मैं बाद में लिख लेता हूँ कि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन है हमारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 से। अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें उसने कहा था कि ये जो अपने फंक्शन हमने लिया था कि एफ एक्स फंक्शन की जगह ये वैल्यू हमने पुट करती थी 4 माइनस 2 एक्स उसमें उसने कंडीशन रखी हुई थी कि एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो इसे कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जी तो देखें इसे उसने कंडीशन दी थी हमें कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि देखें इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है कि देखें मैं एक रियल लाइन बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए कि इसे कुछ एक रियल लाइन की मदद से समझ सकते हैं कि देखें ये मेरे पास कोई पॉइंट जीरो है, ठीक हो गया, और उसके बाद ये देखें कोई पॉइंट 1 है जैसा कि ये पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव पॉइंट 1 हो गया। अब उसने कहा था ये इसे समझ लें ये कोई एक्स एक्स वाली लाइन है कि यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें देखें एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो यानी कि ये वाला एरिया होगा फिर यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो एक एक्स एक्सिस पर यानी कि एक रियल लाइन में जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया है उसमें वैल्यूज अप्रोच करेगी एक्स की, यानी कि ये एरिया फिर नहीं होगा। अगर एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया है
तो फिर उसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो राइट हैंड वाला एरिया है ये फिर अप्रोच नहीं होगा, ये राइट हैंड वाला एरिया फिर जीरो के इक्वल होगा। सेम इसी मेथड से मैं इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी कि 1 - ε/2 < x, और ये देखें 1 + ε/2, ये देखें पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया तो है नहीं यहाँ पर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया एग्जिस्ट करा है, इस वजह से ये जो पॉजिटिव एरिया बनेगा इसमें हम जीरो पुट करेंगे बेसिकली। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, क्योंकि ऊपर उसने कंडीशन दी कि एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, अगर ये 1 से कम है तो 1 से कम वाला एरिया माइनस में होता है, इसी वजह से हमारे पास एरिया जो है वो माइनस वाला एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव एरिया की जगह जीरो पुट कर दिया हमने। उसके बाद देखिए ये हमारे पास स्टेप 1 में हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रा करी, अब स्टेप 1 में हम सेकंड इक्वेशन को ड्रा करेंगे। देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह देखें ये 6x - 4 दिया गया है, अब इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे और उसमें कंडीशन रखेंगे कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 ड्रा करेंगे। तो देखिए अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, एक बार फिर लिख लेता हूँ कि ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था कि लिमिट x → 1 इस तरफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था इज इक्वल टू 2 के, अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह हमने सेकंड फंक्शन लेना है, तो सेकंड फंक्शन लेने के लिए देखें लिखें कि लिमिट x → 1 एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह हमने सेकंड फंक्शन लिखेंगे कि 6x - 4 जो ऊपर गिवन था इज इक्वल टू 2 के। के बाद देखें हमें फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल और ये मार्स साइन में होता है हमारे पास लेस देन होता है एप्सिलॉन के, तो देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है तो ठीक है, अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये जो 2 है ये एल है और ये जो 1 है ये बेसिकली एक्स नॉट की वैल्यू होती है, ठीक हो गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह देखिए मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि 6x - 4 और ये माइनस एल की वैल्यू देखें 2 गिवन है तो ये 2 पुट कर दिया और ये लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन से, तो इसे अपनी आसानी के लिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखें 6x और ये कितना हो गया -6 और ये लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन के। उसके बाद अगर देखें हमारे पास किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के तो इक्वल होता है हमारे पास माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के, सेम ये फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ यूज़ करते हैं, देखिए लिख सकता हूँ कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन 6x - 6 लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखिए इस माइनस 6 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 6 - εlt 6x - 6 और पॉजिटिव 6 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर 6 + εlt हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए इस 6 को खत्म करने के लिए इक्वेशन को मुझे 6 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें जब 6 पर डिवाइड करूँगा तो 1 - εlt 6 और ये लेस देन 6 और 6 से कैंसिल हो गया तो x बचेगा और ये देखिए यहाँ पर 1 + εlt 6, यानी कि इक्वेशन को हमने 6 पर डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप गौर से देखते हैं जो ऊपर जो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमने कंडीशन दी गई थी, ये जो फंक्शन था हमारे पास, देखें फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 4, ऊपर जो उसने कंडीशन दी गई वो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इससे कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि देखें एक रियल लाइन बना लेते हैं, ये एक हमारे पास रियल लाइन हो गई। उसके बाद ये देखें ये कोई पॉइंट 0 है, अब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 भी है, ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है और 1 से ग्रेटर देन भी है, तो बेसिकली ये देखें ये 1 होगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, देखें 1 से स्टार्ट है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन है यानी कि आगे जारी है, कंटिन्यू है, तो फिर एक्स की वैल्यू एक रियल लाइन में राइट हैंड एरिया की तरफ अप्रोच करेगी, तो इसका मतलब है ये जो जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया है ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू अप्रोच नहीं है, इसका मतलब है ये कि जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया है वो जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड की जगह, देखिए ये लेफ्ट हैंड वाला एरिया 0 के इक्वल हो गया और ये लेस देन एक्स विच इज़ लेस देन ये पॉजिटिव एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से इसकी वैल्यू को लिखा जाएगा कि 1 + εlt 6 के। अब यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, अब देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है और देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 2 है, सेम 1 और 2 की मदद से अब मुझे इक्वेशन नंबर 3 ड्रा करना है जो सेकंड स्टेप में हम करते हैं, ये था हमारा स्टेप 1, अब सेकंड स्टेप में हम सेकंड फार्मूला यूज़ करके डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर लिख दिया है और ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 में उसने कंडीशन दी थी एक्स लेस देन 1 होना चाहिए और इक्वेशन नंबर 2 में उसने कंडीशन दी थी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अब हम स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 में डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 2, देखें स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला था कि 0 लेस देन मॉड साइन में x - x0 और ये लेस देन था डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो देखें अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लिए, उसको पुट करने के लिए देखें ये 0 लेस देन बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती, x मैं लिखता हूँ -x0 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन थी, मैं यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ कि लिमिट था x → 1, तो ये 1 बेसिकली हमारे पास x0 था,
तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल हो गई, वन के इक्वल हो गई। तो देखें एक्स नॉट की वैल्यू मैं यहाँ वन पुट कर देता हूँ, ये वन पुट कर दिया और ये लेस देन है हमारे पास डेल्टा के। चीज़ हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी कि लिमिट एक्स टेन टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू के। तो यहाँ से जो लिमिट एक्स की वैल्यू जिसकी तरफ अप्रोच कर रही है वही चीज़ हमारे पास बेसिकली एक्स नॉट होती है। तो एक्स नॉट की वैल्यू वन है तो ये मैंने एक्स नॉट की वैल्यू वन पुट कर दी। और उसके बाद देखें अब अपनी आसानी के लिए इसे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करूँ, तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस वन लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब इस माइनस वन को ख़त्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव वन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि देखें माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव वन लेस देन एक्स माइनस वन और पॉजिटिव वन कैंसिल आउट हो गया तो ये डेल्टा प्लस वन हो गया। इक्वेशन नंबर एक का नाम देता हूँ कि ये एनी इक्वेशन ए हो गई, ठीक हो गया। अब देखें इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री को आपस में कंपेयर करें, तो कंपेयर कैसे करेंगे, फर्स्ट मैं लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर वन और एक को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर टू और एक को आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन ए, और यहाँ से आप कंपेयर करेंगे कि कंपेयर इक्वेशन टू एंड इक्वेशन ए, तो कुछ इस तरह से आपने कंपेयर करना है। इक्वेशन वन को ए के साथ कंपेयर करेंगे इस लाइन पर, फिर इक्वेशन टू को ए के साथ कंपेयर करेंगे इस लाइन पर। तो कंपेयर करते हैं, तो देखें इक्वेशन हमारे पास एक है, देखें वन हमारे पास ये इक्वेशन वन लिखी हुई है, इसके एक्स के जो लेफ्ट हैंड वैल्यू की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर ए के एक्स के लेफ्ट हैंड वैल्यू की इक्वल होगी। तो देखें वन माइनस एप्सिलॉन ओवर टू इक्वल होगी माइनस डेल्टा प्लस वन के, कि देखें माइनस डेल्टा प्लस वन ये बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास वन माइनस एप्सिलॉन ओवर टू के इज इक्वल टू वन माइनस एप्सिलॉन ओवर टू के। और यहाँ से देखें तो ये डेल्टा प्लस वन इक्वल होगा, अब देखिए अब हमने इस तरफ इक्वेशन को कंपेयर करना है, टू को कंपेयर करना है वन के साथ, ये बेसिकली टू लिखा हुआ है, तो टू को हमने कंपेयर करना होगा इक्वेशन नंबर ए के साथ। तो देखें इक्वेशन नंबर टू के एक्स के जो राइट हैंड की तरफ जो जो वैल्यू लिखी हुई है वो इक्वेशन नंबर ए के एक्स के राइट हैंड वैल्यू की इक्वल होगी। तो डेल्टा प्लस वन बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास वन प्लस एप्सिलॉन ओवर सिक्स के, तो वन प्लस एप्सिलॉन ओवर सिक्स के। हम इसने कंपेयर करवाने के लिए देखें, अब इस वन से वन कैंसिल आउट होगा तो माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर टू, और यहाँ से देखें तो इस वन से ये वन कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिक्स, और यहाँ से देखें माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनती है एप्सिलॉन ओवर टू के, और यहाँ से देखें तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनती है एप्सिलॉन ओवर सिक्स के। अब इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एप्सिलॉन ओवर सिक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू है और पॉजिटिव में है। तो अब हमें अपना जो आंसर लिखना होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने इसमें इन दोनों में से चूज़ करना होगा जो वैल्यू डेल्टा की स्मॉलेस्ट है और जो वैल्यू पॉजिटिव में भी है। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर सिक्स के, क्योंकि अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 था एक्सरसाइज 2.3 का। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये देखिए ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की ये फर्स्ट वैल्यू दी गई है जिसमें उसने कंडीशन दिया है कि एक्स की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए यानी कि माइनस में होनी चाहिए। फिर उसने एफ ऑफ एक्स फंक्शन की सेकंड वैल्यू दी है कि एक्स ओवर टू और एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए और जीरो के करीब होनी चाहिए यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो भी होनी चाहिए और जीरो से ग्रेटर दैन भी होनी चाहिए यानी कि ये फिर कौन सा एरिया होगा, एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होगा। अब स्टेप वन करते हैं, स्टेप वन में हमारे पास फार्मूला है, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो दिया गया और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह हमने देखें टू एक्स पुट कर दिया मैंने और इज इक्वल टू जीरो के, और यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है हमारे पास जीरो की, ये कंडीशन दी गई थी उसने। और उसके बाद देखें अब स्टेप वन में हमारे पास फार्मूला होता है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मार्साइन में लेस देन होता है एप्सिलॉन के। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह देखिए ये मैंने वैल्यू पुट कर दी टू एक्स माइनस एल की वैल्यू देखें तो जीरो है, ये बेसिकली जीरो पुट कर दिया, लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन के। अब देखें तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन टू एक्स लेस देन हमारे पास पॉजिटिव एप्सिलॉन के, मैंने ये फार्मूला एक बार पहले भी बताया कि देखें अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल का मार्साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के तो वो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो आप अब इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखें एक रियल लाइन में जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस में होता है और एक रियल लाइन में जो राइट हैंड वाला एरिया होता है वो बेसिकली पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वाला एरिया और वो माइनस वाला एरिया हो गया, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है, उसके बाद है कि इसको भी मैंने टू पर डिवाइड कर दिया, अब होल इक्वेशन को मैंने टू पर डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकलेगी। अब देखें अगर आप गौर से देखते हैं तो ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह ये जो वैल्यू मैंने टू एक्स पुट कर दिया है उसमें उसने कंडीशन रखी हुई थी कि एक्स की वैल्यू लेस देन हो कि एक माइनस वाला एरिया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाला एरिया होना चाहिए लेकिन रियल लाइन में जो राइट हैंड वाला एरिया होता है जो पॉजिटिव एरिया होता है वो ना होना चाहिए हमारे पास। देखें
एक मैंने इसे कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि देखें ये जीरो लिखा हुआ बेसिकली उसने कंडीशन दी कि एक्स की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, तो एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया होगा जो माइनस में होगा, जिसका मतलब है ये वाला एरिया हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और ये वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है जो हमारे पास राइट हैंड वाला एरिया होगा वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद है कि ये बस माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन एक्स और लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन ओवर 2, बेसिकली पॉजिटिव एरिया तो है नहीं हमारे पास, जो एरिया एग्जिस्ट करेगा वैल्यू भी उसी की लेंगे। अब पॉजिटिव एरिया एग्जिस्ट नहीं करता तो पॉजिटिव एरिया की वैल्यू नहीं लेंगी, बल्कि पॉजिटिव एरिया की जगह हमने जीरो की वैल्यू पुट कर दिया है। अब ये बार हमारे पास स्टेप वन में क्वेश्चन नंबर वन लिखा है। अब इसी तरह सेम देखें तो एफ एस फंक्शन की जगह हमने सेकेंड फंक्शन लिखना है। तो देखें अब इस एफ ओ एस फंक्शन की जगह मैं ये एक्स ओवर टू वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने कंडीशन रखनी है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। स्टेप देखें अब स्टेप वन में हमारे पास सेकंड फंक्शन मैंने लेना है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ओ एस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एफ ओ एस फंक्शन की जगह मैंने सेकंड फंक्शन लिया जिससे जो जिसकी वैल्यू थी हमारे पास एक्स ओवर टू के। अब उसने कंडीशन दी गई थी कि कंडीशन में लिख लेता हूँ एक बार फिर कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एरिया होना चाहिए। उसके बाद है कि ये हमारे पास फार्मूला है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ ओ एक्स माइनस एल मॉड साइन में लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन के। अब एफ ओ एक्स फंक्शन की जगह देखें मैं ये बेसिकली एफ ओ एक्स फंक्शन होता है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, माइनस एल की वैल्यू देखें तो जीरो जीरो पुट कर दिया, लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन के। अब देखें यहाँ पर मैंने अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ किया है कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स ओवर टू लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें तो देखिए इस टू को खत्म करने के लिए क्वेश्चन को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे मैंने टू को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे टू को मल्टीप्लाई करूँगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर टू एप्सिलॉन बन जाएगा। उसके बाद उसने कंडीशन दी गई एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए जब हम फंक्शन लेते हैं एक्स ओवर टू। उसके बाद देखें इसे मैंने एक रियल लाइन में कुछ इस तरह से लिखा है कि देखें ये जो एरिया है एक्स की वैल्यू जीरो भी है, तो ये देखें जीरो भी है और जीरो से ग्रेटर दैन भी है, तो ग्रेटर दैन वाला एरिया पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया अप्रोच करेगा लेकिन लेफ्ट हैंड वाला एरिया जीरो के इक्वल होगा। तो देखें ये लेफ्ट हैंड एरिया की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया और राइट हैंड एरिया को वैल्यू मैंने वैसे लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है। देखिए अब स्टेप टू करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास स्टेप टू है कि स्टेप टू में हमारे पास फार्मूला होता है जीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन होता है डेल्टा के। अब देखें एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो था, तो इसमें जो जीरो था वो बेसिकली एक्स नॉट था, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दी लेस देन डेल्टा के। अब देखें हमने इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाला यहाँ फार्मूला यूज़ किया हुआ है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई है। अब देखिए हमने कंपेयरिंग किया है कि कंपेयरिंग वन एंड ए, वन और इक्वेशन नंबर ए का मैंने कंपस में कंपेयर करवाया, यानी कि इसे कुछ इस तरह समझें कि एक हमारे पास इक्वेशन नंबर वन में एक्स के जो लेफ्ट हैंड वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर ए के एक्स के लेफ्ट हैंड वैल्यू की इक्वल होगी। तो देखें उसमें माइनस डेल्टा है इक्वल होगा माइनस एप्सिलॉन ओवर टू के, और यहाँ से देखें तो हमने कंपेयरिंग करवाना है इक्वेशन टू को ए के साथ, ये बेसिकली टू है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, यानी कि टू एप्सिलॉन बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास यहाँ से डेल्टा के, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन के। अब इन दोनों में से देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो डेल्टा की हमारे पास बनती है एप्सिलॉन ओवर टू के, वैल्यू है यही चूज़ करेंगे जो स्मॉलेस्ट है और जो पॉजिटिव है। तो ये देखें हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर टू के, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, हमने वही वैल्यूज चूज़ करनी होती है जो स्मॉलेस्ट हो और जो पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर टू, ये आंसर होगा।